अमेरिका का लड़ाकू विमान F-16 एक मिनट में 35 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। सिर्फ 15 मिनट में F-16 यूक्रेन के बॉर्डर से मॉस्को पहुंच सकता है। इतना खतरनाक फाइटर जेट अब ज़ेलेंस्की के हाथ लग चुका है। इस फाइटर जेट को लेकर पुतिन पहले ही वार्निंग दे चुके हैं और अब हर गुजरने वाले दिन के साथ ऐसा लग रहा है कि यह युद्ध अब और ज्यादा लंबा खींचने वाला है। युद्ध अब मॉस्को में होगा, प्लेन अब रूस के आसमान में उड़ेंगे, डर अब रूस के लोगों को भी लग रहा है, दर्द अब पुतिन को भी झेलना पड़ सकता है। युद्ध धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, यूक्रेन सुरक्षित नहीं है। लेकिन मॉस्को कब तक सेफ रहेगा ये कहना अब आसान नहीं है। और ये सारी आशंकाएं क्यों हैं? इन तस्वीरों से समझिए। ज़ेलेंस्की अमेरिका में बनाए गए लड़ाकू विमान F-16 में बैठ चुके हैं। ये फोटो रूस को एक मैसेज है, पुतिन को एक सीधा संदेश है कि अगर वो ये सोच रहे हैं कि युद्ध जीत चुके हैं तो ये उनकी भूल है, युद्ध तो अभी शुरू हुआ है। यही मैसेज ज़ेलेंस्की रूस तक पहुंचाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि ज़ेलेंस्की ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री से मुलाकात की है और डेनमार्क की प्रधानमंत्री से भी बात की है। नीदरलैंड्स और डेनमार्क ये वो देश हैं जिन्होंने यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान देने पर अपने फैसले की मोहर लगा दी है। इन दोनों देशों को धन्यवाद कहने के लिए ज़ेलेंस्की ने दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की और इस मुलाकात पर नजर पुतिन की भी रही। ज़ेलेंस्की को F-16 मुहैया करवाने पर पुतिन का रुख कितना खतरनाक है ये तो आपको आगे हम बताने ही वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको ले चलेंगे यूक्रेन और मॉस्को की युद्धभूमि में और ज़ेलेंस्की की नई रणनीति को डिकोड करेंगे। आखिर ज़ेलेंस्की के दिमाग में इस वक्त चल क्या रहा है? युद्ध की शुरुआत में ही ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से एक खास डिमांड की थी। ज़ेलेंस्की की डिमांड थी कि अमेरिका यूक्रेन की सेना को लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार दे। लेकिन ये सब कुछ देने से अमेरिका ने पहले इनकार कर दिया था क्योंकि बाइडेन इस युद्ध की आंच अमेरिका तक नहीं आने देना चाहते थे। ज़ेलेंस्की के पास हाईमास रॉकेट लॉन्चर्स ही हैं, जो ज्यादा से ज्यादा 150 से 160 किलोमीटर की रेंज में ही कामयाब है। अमेरिका ने अब तक यूक्रेन को ऐसा कोई हथियार नहीं सौंपा जो रूस की राजधानी मॉस्को तक पहुंच भी सके। अब चाहे इसे पुतिन का खौफ ही कहें या कुछ और, अमेरिका की सरकार के प्रवक्ताओं की तरफ से ये बात साफ कही गई है कि यूक्रेन को जो हथियार दिए जा रहे हैं वो दरअसल डिफेंस के लिए, ना कि रूस पर हमला करने के लिए। लेकिन जंग में परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। 544 दिन के इस युद्ध में पहले यूक्रेन ही लगातार मार खा रहा था, लेकिन अब परिस्थितियां काफी बदल चुकी हैं। तीन मई को रूस के राष्ट्रपति भवन यानी पुतिन के घर क्रेमलिन पर ही ड्रोन अटैक हो गया। पिछले हफ्ते यूक्रेन के ड्रोन ने रूस के एक्सपो सेंटर पर भी हमला कर दिया जो कि मॉस्को में है। युद्ध के 544 दिनों में से 130 से ज्यादा बार यूक्रेन के ड्रोन रूस को घायल कर चुके हैं, यानी रूस की इमारतों पर हमला कर चुके हैं। रूस के ड्रोन रात के अंधेरे में ड्रोन अटैक करके रूस के हवाई अड्डे पर तीन लोगों को मार भी चुके हैं। यानी अब युद्ध मॉस्को की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब मॉस्को में रहने वाले लोगों के चेहरे पर भी युद्ध का खौफ देखा जा सकता है और ज़ेलेंस्की यही चाहते हैं। लेकिन अमेरिका ने इस आग में और ज्यादा घी डालने का काम किया है। अब डेनमार्क और नीदरलैंड्स की लोकेशन क्या है यूरोप में, जरा एक बार ये मैप देखिए। देखिए यूरोप के मैप में ये डेनमार्क और डेनमार्क के दक्षिण दिशा की तरफ मौजूद है नीदरलैंड्स। अब जरा रूस का भूभाग देखिए। यूरोप और एशिया महाद्वीप में फैला हुआ एक विशाल क्षेत्र, क्या रूस और डेनमार्क जैसे बेहद छोटे छोटे देशों का कोई मुकाबला
रूस से हो सकता है। सच्चाई यह है कि डेनमार्क और नीदरलैंड्स की हिम्मत अगर आज पुतिन को आंख दिखाने की है तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की शह है। और अब यूक्रेन को अमेरिका की ओर से कई इशारे मिल रहे हैं। अब सोचिए, जो यूक्रेन अब तक ड्रोन से ही मॉस्को पर हमला कर रहा था, अगर उसके हाथ में F-16 जैसे अत्याधुनिक विमान लग जाएंगे तो क्या ये विमान मॉस्को का रुख नहीं करेंगे? क्या रूस पर हमला करने के लिए F-16 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल नहीं होगा? F-16 की गिनती दुनिया के सबसे भरोसेमंद और सुरक्षित लड़ाकू विमान में होती है। इसे अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। लॉकहीड मार्टिन के मुताबिक दुनिया भर में 25 से ज्यादा देशों के पास F-16 विमान है। F-16 सिंगल इंजन वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, यानी ये किसी भी तरह के ऑपरेशन में काम कर सकता है। F-16 चौथी जनरेशन का लड़ाकू विमान है। इसमें हवा से हवा और हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइलों को तैनात किया जा सकता है। हालांकि F-16 में लगने वाली मिसाइलों की रेंज 100 किलोमीटर है, यानी इसकी मिसाइलें 100 किलोमीटर दूरी तक के टारगेट को ही मार सकती हैं। लेकिन रूस के लिए और पुतिन के लिए सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि F-16 की रेंज 4200 किलोमीटर है, यानी एक उड़ान में ये 4500 किलोमीटर दूर जाकर हमला कर सकता है। ये मैप देखिए, मॉस्को की दूरी कीव से 860 किलोमीटर है और F-16 एक बार में 4200 किलोमीटर तक जा सकता है। F-16 एक मिनट में 35 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इस तरह कीव से मॉस्को पहुंचने में 860 किलोमीटर यानी कीव से मॉस्को पहुंचने में F-16 को सिर्फ और सिर्फ 24 मिनट का ही समय लगेगा। और इसीलिए ज़ेलेंस्की बहुत खुश हैं। उनको लग रहा है कि F-16 हासिल करने के बाद वो पुतिन को मजा चखा देंगे। अब रूस इतनी बड़ी ताकत और महाशक्ति है, यूक्रेन कुछ भी कर ले, सिर्फ कुछ दिनों तक ही रूस को टक्कर दे सकता है। जब युद्ध शुरू हुआ तो ज़ेलेंस्की के पास 70 लड़ाकू विमान थे और पुतिन के पास 773 लड़ाकू विमान थे। अब कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि 544 दिनों के युद्ध में रूस ने 70 लड़ाकू विमान खो दिए और यूक्रेन ने 60 लड़ाकू विमान खो दिए। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अब रूस के कुल 773 लड़ाकू विमानों में से 70 घट गए, यानी अब भी रूस के पास 703 लड़ाकू विमान है और यूक्रेन के पास 70 लड़ाकू विमानों में से 60 घट गए, तो अब यूक्रेन के पास सिर्फ 10 लड़ाकू विमान बचे हैं। अब सवाल ये उठता है कि डेनमार्क और नीदरलैंड से रूस को कितने विमान मिलने जा रहे हैं। जरा नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री का ये बयान सुनिए। उन्होंने खुद कहा कि उनके पास 42 F-16 लड़ाकू विमान है, लेकिन वो कितने लड़ाकू विमान देंगे ये आगे साफ होगा। Into whether we can supply all the remaining planes or that still stuff has to be done to update them or maybe it is not possible. So the exact number I cannot give you, but we are working from the fact that at this moment we still have 42 in stock here in the country. अब कई इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की ने मांगे थे 50 लड़ाकू विमान, लेकिन उन्हें नीदरलैंड्स 42 और डेनमार्क 19 लड़ाकू विमान दे सकता है, यानी यूक्रेन को कुल 61 लड़ाकू विमान मिल सकते हैं। यानी ज़ेलेंस्की ने 50 लड़ाकू विमान मांगे थे, लेकिन उनको 11 लड़ाकू विमान ज्यादा मिल सकते हैं। हालांकि ज़ेलेंस्की फिलहाल किसी भी तरह लड़ाकू विमानों को हासिल करना चाहते हैं। संख्या से ज्यादा उनका जोर हथियार उपलब्ध होने को लेकर है, क्योंकि रूस के पास आज की तारीख में 700 से ज्यादा लड़ाकू विमान है और ज़ेलेंस्की के पास करीब 10। ऐसे में ये हाथी और चूहे की जंग है, जिसमें यूक्रेन के आसमान में कंट्रोल अभी पुतिन का ही नजर आ रहा है और इसी कंट्रोल को ज़ेलेंस्की खत्म करना चाहते हैं। Що хочеться завжди швидше, що літаки можуть прискорити цей процес дуже сильно, що в небі домінує Російська Федерація і що окрім літаків, літаками ми не обмежимося, ми говоримо про протиповітряну оборону, бо попереду зима. І ми розуміємо, що таке як ніхто в світі, що таке зима без світла. नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री को इस बात की भी आशंका है कि क्या यूक्रेन के पायलट
F-16 को इस्तेमाल करने योग्य हैं या फिर नहीं। हालांकि जेलेंस्की ने भरोसा दिलाया है कि उनके पायलट योग्य हैं और यूक्रेन के सैनिक हर तरीके के हथियारों का इस्तेमाल करने में माहिर हैं। До завершення перемогою вільного народу, вільного українського народу, F-16 неодмінно дадуть нову таку енергію, впевненості, нову мотивацію для і воїнів, і для цивільного населення, і дадуть, я впевнений, новий результат для України і всієї Європи. Зеленський і Денмарк і прем'єр-міністр які кучу тасвірі самне аї є, жо кафі з'яда чарчамі. Зеленський ек юдд-пірід деш ке раштопати є. कई दावे तो ये भी हैं कि 544 दिनों के युद्ध में ही यूक्रेन के 5,00,000 लोग हताहत हुए हैं, यानी मारे गए या घायल हुए हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि इतने बड़े दर्द से गुजर रहे देश के राष्ट्रपति का ये अंदाज आज यूक्रेन के ही परेशान हाल लोगों को काफी ज्यादा चुभ रहा होगा। और जेलेंस्की को F-16 मिल गया तो वो कितना खतरनाक साबित हो